हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोग सीरीज और पैरेलल से न्यूमेरिकल्स कुछ हम लोगों ने देखा था, और आज और लास्ट में मैंने एक पॉइंट बताया था कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। तो मैंने ये बताया था, हमेशा याद रखना कि कैपेसिटर पे चार्ज पाइल अप तब तक होते रहेगा, कैपेसिटर तब तक चार्ज होते रहता है जब तक कि कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी के इक्वल नहीं हो जाए। जैसे ही इक्वल हो जाता है उसके बाद कैपेसिटर पे फर्दर जो चार्जिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो इन इक्विलिब्रियम आपको याद रखना है कि चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू क्या होगा, वी। सी क्या है, कैपेसिटेंस, वी क्या है, ईएमएफ ऑफ द कनेक्टेड बैटरी, क्या है, ईएमएफ ऑफ द कनेक्टेड बैटरी। उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आज देखेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो क्या है, ये दो पैरेलल प्लेट के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं, इस पे एक चार्ज दिया हुआ है Q1 और इस पे क्या दिया हुआ है, Q2 दिया है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपको मैंने बताया था कि चार्ज का क्या होगा, दोनों प्लेट पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैंने बताया था कि क्या होगा, जब भी पैरेलल प्लेट होता है तो क्या होता है, आउटर मोस्ट सरफेस पे क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का इक्वल चार्ज क्या होता है, अपीयर हो जाता है इक्वल चार्ज। और वो चार्ज कितना होता है, सम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 होता है। और इनर सरफेस पे क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का क्या होता है, चार्जेस क्या होता है, अपीयर हो जाता है, वो डिफरेंस बाय 2 होता है। एक पे क्या होगा Q1 माइनस Q2 बाय 2, और दूसरे पे क्या होगा माइनस ऑफ Q1 प्लस क्या Q1 माइनस क्या होगा Q2 बाय 2। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्या किया गया, उस प्लेट को बैटरी से क्या कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो बैटरी से भी दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एक में क्या किया गया है कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसे यहां मैंने लिखा है कि लेट Q1 एंड Q2, वेयर Q2 इज लेस देन क्या है Q1, आर चार्जेज ऑन बोथ द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ बोथ द प्लेट्स आर कनेक्टेड बाई ए बैटरी इन क्या होगा, इन सच ए क्या होगा वे दैट पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एंड उसके बाद मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि निगेटिव प्लेट जो निगेटिव जो टर्मिनल होगा वो निगेटिव प्लेट से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। सेकंड में क्या है, निगेटिव प्लेट इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए बैटरी एंड यहां लिख देता हूं एंड पॉजिटिव प्लेट निगेटिव टर्मिनल लिखना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल लिख लेना, टर्मिनल ऑफ ए बैटरी एंड निगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट इज क्या होगा कनेक्टेड, यहां भी तुम लिख लेना, इज कनेक्टेड विथ निगेटिव टर्मिनल ये लिख लेना, ठीक है, ऑफ द बैटरी। देन फाइंड चार्जेज सब चार्ज सप्लाई एंड वर्क डन बाय द बैटरी इन ईच केस ए एंड बी। देखो क्वेश्चन क्या है, यही है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां जो होगा आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस क्या हो जाएगा, Q2 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां भी आउटर सरफेस पे क्या होगा, Q1 प्लस क्या होगा, Q2 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनर सरफेस पे आप देखेंगे यहां क्या होगा, यहां प्लस चार्ज, और यहां क्या होगा इक्वल अमाउंट ऑफ माइनस। यहां प्लस चार्ज कितना होगा, Q1 माइनस Q2 बाई क्या होगा, 2 होगा। और यहां क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या होगा, Q1 माइनस Q2 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कनेक्शन हो गया। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, ठीक है। देखो यहां क्या दिया हुआ है, यही क्या है, बैटरी है, क्या है, यही। अब यहां मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को बैटरी से क्या किया, कनेक्ट किया, क्या किया, बैटरी से हमने क्या किया, कनेक्ट किया। ये मैं क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है,
कि इसको बैटरी से हम इस तरह कनेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो पॉजिटिव क्या है टर्मिनल है वो बैटरी के क्या है पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा, Q1 प्लस क्या होगा Q2 और Y क्या हो जाएगा 2 यहाँ, और यहाँ भी क्या होगा Q1 प्लस क्या होगा Q2 Y क्या होगा 2। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, क्या करोगे, जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करोगे, बैटरी से जिसका EMF क्या है E है, आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा कि यहाँ क्या होगा चार्ज का क्या होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले चार्ज कितना है Q1 माइनस Q2 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम में यहाँ जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा C इंटू क्या हो जाएगा B, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस C इंटू क्या हो जाएगा B हो जाएगा। आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा अनचेंज होता है, वो क्या होता है एज इट इज रहता है। मैंने ये बताया था कि जब भी क्या होगा इस प्लेट के क्या होगा चार्ज क्या होगा फ्लो होगा। अब कितना चार्ज फ्लो होगा बता सकते हो, कितना कि सी भी माइनस क्या होगा Q1 माइनस क्या होगा Q2 by 2 क्या होगा। यदि चार्ज बैटरी क्या करेगा सप्लाई करेगा तभी क्या होगा इस पे चार्ज क्या हो जाएगा सीधे, क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस ये चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक क्या होगा कि क्या होगा एट क्या होगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्या होगा VC इक्वल टू क्या हो जाएगा V हो जाएगा। और VC जैसे ही मालूम चला तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चल गया तो हम क्या जानते हैं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा Q इंटू क्या हो जाएगा CV हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CV हो जाएगा। तो फाइनल चार्ज क्या होगा, फाइनल चार्ज जो होगा ये क्या होगा फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज आई मीन फाइनल चार्ज का मतलब क्या होगा चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ये क्या होगा, ये क्या है EMF ऑफ द क्या है, ऑफ द क्या है बैटरी। जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा चार्ज का क्या होगा मूवमेंट होने लगेगा, क्या होगा चार्ज का क्या होगा फ्लो होने लगेगा। चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल नॉट बी इक्वल टू क्या होगा EMF ऑफ द बैटरी। जैसे ही दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे उसके बाद फर्दर जो होगा वो क्या होगा चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा रुक जाएगा, और इक्विलिब्रियम के कोरस्पोंडेंस जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे उसी को हम क्या बोलते हैं आगे हम पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट चार्ज बोलते हैं। तो यही क्या होगा मैक्सिमम चार्ज होगा। अब आपसे देखो यहां पहले इनिशियल कितना चार्ज था, इनिशियल कितना था क्या है Q1 माइनस Q2 by क्या है 2 है, फाइनल चार्ज क्या होगा CV हो गया। तब आपसे कोई पूछे कि चार्ज बैटरी ने कितना सप्लाई किया, क्या होगा बैटरी ने क्या होगा चार्ज, तो यहां नोट में क्या करना है पहले आप दो पॉइंट लिख लो, क्या होगा कि आउटर प्लेट आई मीन क्या होगा आउटर सरफेस, क्या होगा सरफेसेस ऑफ बोथ द क्या होगा नहीं ऐसे चार्जेस, क्या होगा चार्जेस ऑन बोथ द क्या होगा बोथ चार्जेज ऑन आउटर, क्या होगा आउटर सरफेसेस ऑफ बोथ द क्या होगा बोथ द क्या होगा बोथ द प्लेट्स रिमेन क्या होगा रिमेन रिमेन क्या होगा अनचेंज्ड। आई मीन आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होगा एज इट इज रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनर क्या होगा इनर आई मीन चार्ज ऑन क्या होगा चार्ज क्या होगा चार्ज ऑन क्या होगा कैपेसिटर, क्या होगा चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वल टू क्या होगा Q इक्वल टू क्या होगा C इंटू V फाइनल चार्ज। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, बैटरी जब हमने कनेक्ट कर दिया है तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आउटर सरफेस पे क्या होगा चार्ज क्या होगा एज इट इज रहेगा, क्या होगा चार्ज क्या होगा एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या है चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा क्यू से, हाँ उसके बाद क्या है यहां आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि चार्ज क्या होगा चार्ज चार्ज सप्लाई सप्लाई बाय द क्या होगा बाय द बैटरी, बैटरी के द्वारा कितना क्यू
सप्लाई कितना होगा देखो, तो सीबी क्या लिखेंगे, सीबी माइनस क्या लिखेंगे, क्यू वन माइनस क्या होगा, क्यू टू बाई क्या हो जाएगा, यही क्या करेगा चार्ज, तभी क्या होगा इतना, यदि बैटरी चार्ज सप्लाई करेगा तभी क्या होगा इस पे चार्ज क्या हो जाएगा सीबी आएगा, अदरवाइज चार्ज सीबी नहीं हो सकता है। ये हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यहां मैंने लिखा ही है कि इक्विलिब्रियम। उसके बाद आपसे कोई पूछे कि वर्क डन बाय द बैटरी, तो वर्क डन बाय द बैटरी या एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी कितना होगा, तो आप ये भी लिख सकते हो कि क्या होगा, वर्क डन बाय द क्या होगा, बाय द बैटरी इक्वल टू क्या होगा, मैंने ये बताया था क्या होता है, चार्ज चार्ज सप्लाई इनटू क्या होगा ईएमएफ, यही होता है ना। तो चार्ज सप्लाई कितना हुआ, सीबी माइनस क्या हुआ, क्यू वन माइनस क्या होगा, क्यू टू बाई क्या हो जाएगा, टू इनटू क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई द क्या होगा, बैटरी होगा। तो जनरली केवल एक ही पॉइंट याद रखना है कि इनर सरफेस, जब भी आप बैटरी को कनेक्ट करोगे तो इनर सरफेस पे ऑलवेज चार्ज क्या होगा, सीबी हो जाएगा, आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, एज इट इज रहेगा, और क्या होगा कि वर्क चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि पहले चार्ज क्या है अभी क्या है, ये आपको आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज सप्लाई इनटू क्या होगा ईएमएफ ऑफ द क्या होगा, बैटरी। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है ये आप इसको खुद से सॉल्व करना, क्या है सेकंड पार्ट इसका क्या है, आप मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, आप क्या करोगे खुद से इसको ट्राई करना। तो ये फर्स्ट का क्या है आंसर रहा, सेकंड पार्ट क्या है बी में क्या दिया हुआ है कि यही क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है और यहां बैटरी है, लेकिन अब क्या किया गया है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे कनेक्ट किया गया है, क्या होगा पॉजिटिव टर्मिनल। देखो इस पे अगेन क्या है, आउटर सरफेस पे क्या है Q1 प्लस क्या होगा Q2 by 2 चार्ज होगा, इधर भी क्या होगा Q1 प्लस क्या होगा Q2 by क्या होगा 2 होगा। यहां चार्ज क्या था पहले आपको ही मालूम है, यहां अब चार्ज क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। पहले देखो इस प्लेट पे चार्ज क्या था आपको ही मालूम है, कितना था माइनस, क्या था माइनस होता है ना। तो अभी कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा आप खुद से क्या कर सकते हो, यदि मैं यहाँ Q लिख डालूं Q और यहाँ माइनस Q और यहाँ क्या होगा प्लस Q, तो लिख सकते हैं कि क्या होगा एट, इसके बाद सॉल्व कर एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा एट इक्विलिब्रियम क्या होगा एट इक्विलिब्रियम क्या होगा VC इक्वल टू क्या हो जाएगा V, और यहां से लिख सकते हैं Q इक्वल टू क्या होगा C इंटू VC, तो Q इक्वल टू क्या होगा C इंटू VC, फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो फाइनल चार्ज ऑन क्या होगा कैपेसिटर, क्या होगा फाइनल फाइनल चार्ज ऑन क्या होगा कैपेसिटर। प्लेट पे अगेन पूछा जाए तो इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा, सी बी प्लस क्या होगा क्यू वन प्लस क्यू टू बाई क्या होगा टू होगा, टोटल चार्ज हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है रिमेनिंग जो है आप इसको क्या करना खुद से आप ट्राई कर लेना, क्या करना खुद से आप क्या कर सकते हो ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि अगला जो पॉइंट है वो क्या है, देखो अगला जो इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होगा यहां लिखेंगे क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन टू चार्ज्ड कनेक्टिंग कैपेसिटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बस सिमिलर टाइप का है लेकिन उसमें थोड़ा कुछ डिफरेंस है। क्या है क्वेश्चन आप समझो क्या है कि हमने क्या किया,
यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है कि दो कैपेसिटर है जिनको हमने क्या किया, चार्ज किया, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस वी वन एंड वी टू। तो हम लिख देते हैं यहाँ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है कि टू कैपेसिटर्स, क्या होगा टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 आर चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1 एंड V2। नाउ ये फर्स्ट पार्ट, नाउ both the capacitors are connected together, both the capacitors क्या है are connected together in such a way that ये में क्या है like plates are connected together, और बी में क्या है unlike plates are क्या है connected together। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। समझ में आया, टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 आर चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1 एंड V2। नाउ बोथ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन सच ए वे दैट लाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। देन क्या है फाइंड ये में क्या है फाइनल चार्ज, आई मीन क्या है कॉमन पोटेंशियल, या ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। बी में इन क्या होगा इन बोथ ए एंड क्या है एंड बी। बी में क्या है फर्स्ट मान लो, सेकंड में क्या दिया हुआ है फाइनल चार्ज ऑन क्या है C1 एंड क्या है फाइनल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स। सी के थर्ड क्या है, ये दोनों केस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, क्या है फाइनल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर। थर्ड क्या है एनर्जी लॉस्ट इन बोथ केसेस, या बोथ इन बोथ ए एंड क्या है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन समझना जरूरी है कि क्या है दो कैपेसिटर्स है जिसको हमने क्या किया है चार्ज किया है कितने पोटेंशियल डिफरेंस तक V1 एंड V2 तक। अब हमने क्या किया दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट दो तरह से कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं फर्स्ट में क्या है कि लाइक प्लेट पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ अदर कैपेसिटर, नेगेटिव प्लेट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अनलाइक का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर कैपेसिटर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो दोनों केस में आपको क्या करना है कॉमन पोटेंशियल आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, उसके बाद दोनों केस में क्या है फाइनल चार्ज क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, और क्या है
एनर्जी लॉस क्या होगा ये भी कैलकुलेट है। फोर्थ में हम लिखेंगे कि सपोज इफ द मास ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज एम एंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज सी, देन हाउ मच टेम्परेचर विल राइज इन द कंडक्टिंग वायर। इसको भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इन तीनों को देख लें, उसके बाद आपको मालूम है कि लॉस इन एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, एम एस डेल्टा टी। वहां से आप राइज इन टेम्परेचर क्या कर सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं वन बाई वन। ठीक है, अब देखो क्या है, वन बाई वन देखते हैं। पहले क्वेश्चन हम देख लें, क्वेश्चन क्या है देखो कि दो कैपेसिटर है, क्या है दो कैपेसिटर है, यही है, और एक क्या है, चलो इसको प्लेट वन और इसको हम प्लेट टू मान लेते हैं। एक दूसरा कैपेसिटर है यहां, ये चलो सी वन है, और एक क्या है सी टू है, इसका एक प्लेट है, ये क्या है देखो, ये क्या है पॉजिटिव प्लेट, और ये क्या है पॉजिटिव निगेटिव, दूसरे का भी ये क्या है पॉजिटिव प्लेट है, और ये क्या है निगेटिव प्लेट, ये थ्री है और ये क्या है फोर है, ऐसे दिया हुआ है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये जस्ट आपको मैं बता दूँ, यहाँ हम ऐसे दिखा रहे हैं, यहाँ स्विच रख देते हैं। ठीक है, ये फिगर क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, फिगर ए का जो क्वेश्चन है, ये क्या है बिफोर, क्या है बिफोर कनेक्शन, क्या है ये हम दिखा दे रहे हैं, क्या बिफोर बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्टिंग देम क्या है देम टुगेदर। ठीक है, अब हमेशा याद रखना है कि इस पे देखो, यहां यदि इस पे हम Q1 चार्ज मान लें और इस पे क्या होगा Q2, तो यहां लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू क्या होगा C1 V1 और Q2 इक्वल टू क्या होगा C2 V2। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आपसे मैं पूछूं, बिफोर कनेक्शन, देखो ध्यान से, बिफोर कनेक्शन इस प्लेट पे क्या होगा टोटल चार्ज क्या होगा ऑन, क्या होगा टोटल चार्ज ऑन प्लेट्स वन एंड थ्री बिफोर कनेक्शन, है ना, बिफोर कनेक्शन। इसको यदि मैं क्यू नट मान लूं तो कितना होगा क्यू वन प्लस क्या होगा क्यू टू इक्वल टू क्या होगा सी वन वी वन प्लस क्या होगा सी टू। अब देखो जैसे ही आप क्या करोगे स्विच को कनेक्ट करोगे तो ये जो चार्ज है इस प्लेट पे और इस प्लेट उन्हीं का क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा फिर से क्या करेंगे वो अपने आप को क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, तब तक एडजस्ट करते रहेंगे या तब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा जब तक कि इन दोनों कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए सेम नहीं हो जाए, तब तक क्या होगा चार्ज का क्या होगा फ्लो होगा। जैसे ही क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो चार्ज का फर्दर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि ये इनिशियल जो चार्ज है क्या है जस्ट बिफोर कनेक्टिंग, जो चार्ज क्या है प्लेट वन एंड प्लेट थ्री पे है उतना ही चार्ज क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा जब हम कनेक्ट कर देंगे किस पे प्लेट वन और क्या होगा प्लेट थ्री पे। तो जस्ट बिफोर कनेक्शन टोटल चार्ज ऑन प्लेट वन एंड थ्री इज इक्वल टू क्या होगा जस्ट आफ्टर कनेक्शन ऑन टोटल चार्ज ऑन क्या होगा टोटल चार्ज ऑन क्या होगा प्लेट वन एंड क्या होगा थ्री। तो जस्ट क्या होगा बिफोर हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या है वन देख रहे हैं ए देख रहे हैं। ठीक है कि लाइक प्लेट हम क्या किए हैं कनेक्ट किए हैं। अब हमने क्या किया ये जस्ट देखो यहाँ मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपको, तो ये क्या हो जाएगा जब आप कनेक्ट कर दोगे, जब हमने क्या किया यहाँ है ना यहाँ हमने क्या किया कनेक्ट कर दोगे तो इस पे क्या होगा देखो इस पे क्यू वन डैश चार्ज होगा और इस पे क्या होगा क्यू टू डैश चार्ज होगा, ये क्या हो जाएगा इस कैपेसिटेंस क्या है सी वन है सी टू है, इस पे पॉजिटिव चार्ज इस पे भी क्या होगा पॉजिटिव चार्ज इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे क्या होगा निगेटिव चार्ज। अगेन हमने क्या माना है
इस प्लेट पे क्या होगा, वन और एक क्या होगा, थ्री, ए क्या है, टू और एक क्या है, फोर। तो ये आफ्टर कनेक्शन है ना, आफ्टर क्या होगा, कनेक्शन। तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन क्या होगा, प्लेट, प्लेट्स वन एंड क्या होगा, थ्री, क्या होगा, इसको लिख देते हैं क्यू डैश, क्यू ना डैश क्या होगा, क्यू वन डैश प्लस क्या हो जाएगा, क्यू टू डैश। और जैसे ही क्या होगा, कनेक्ट कर दोगे तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, चार्ज। हम लिखेंगे कि क्या होगा, कि चार्ज ऑन क्या होगा, चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन क्या होगा, प्लेट, प्लेट्स वन एंड थ्री विल क्या होगा, विल रिमेन, रिमेन क्या होगा, कॉन्स्टेंट। क्या होगा, जस्ट बिफोर कनेक्शन, क्या हो जाएगा, क्यू नट इक्वल टू क्या होगा, क्यू नट डैश। यही हमने माना है, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन हमने क्या माना है, क्यू नट, और ये क्यू नट डैश माना है, ठीक है। अब यहाँ यदि हम वैल्यू रख दें तो क्या लिख सकते हैं, देखो क्यू वन प्लस क्या होगा, क्यू टू इक्वल टू क्या होगा, क्यू वन डैश प्लस क्या होगा, क्यू टू डैश। यहाँ हम लिखे सी वन वी वन प्लस क्या होगा, सी टू वी टू इक्वल टू क्या होगा। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अब ये इक्वेशन क्या होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू वन डैश प्लस क्या होगा, क्यू टू डैश। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, आफ्टर क्या होगा, आफ्टर कनेक्टिंग क्या होगा, कनेक्टिंग देम टुगेदर चार्ज विल फ्लो फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम वन कैपेसिटर टू क्या होगा, एनदर टील पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ द कैपेसिटर वुड नॉट बी सेम टिल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टिल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ कैपेसिटर वुड नॉट बी सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां लिख सकते हैं क्यू वन डैश इक्वल टू क्या होगा, सी वी, क्यू टू डैश क्या होगा, सी वी। यही होगा क्या, यही क्या हुआ, कॉमन पोटेंशियल हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल बोले। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या होगा, तो पहला देखो इसमें क्या पॉइंट है कि टोटल चार्ज ऑन क्या होगा, ये जो प्लेट होगा उस पर क्या हो जाएगा, वन थ्री पे क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा, उसी का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा क्या है कि जब आप कनेक्ट करोगे तो चार्ज क्या होगा, तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच क्या हो जाए सेम, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या हो जाए, सेम नहीं हो जाए। इसका मतलब क्या है कि बोथ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्यू इक्वल टू हमने मान लिया कि वी क्या है, वी कॉमन पोटेंशियल है, तो क्यू वन डैश इक्वल टू सी बी, क्यू टू डैश इक्वल टू क्या होगा, सी बी। अब इसको यदि मैं सेकेंड इक्वेशन मान लूँ तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकेंड क्या हो जाएगा। देखो तो हम लिख सकते हैं कि वी इक्वल टू सी, देखो तो क्या लिखेंगे, वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं सी वन वी वन प्लस क्या होगा, सी टू वी टू अपॉन क्या होगा, सी वन प्लस सी टू, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वन प्लस क्या होगा, क्यू टू बाई क्या लिखेंगे, सी वन प्लस सी टू। यही होगा क्या, ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल मालूम चल गया। तो ये क्या हुआ, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखो ये ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा, टोटल चार्ज
टोटल चार्ज और ये क्या है सम ऑफ कैपेसिटेंस, क्या है सम ऑफ कैपेसिटेंस। अब कॉमन पोटेंशियल अपने को मालूम चल गया, देखो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन क्या होगा C1 प्लस C2। तो ये आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, अब जैसे ही अपने को कॉमन पोटेंशियल मिल गया उसके बाद तो कुछ है ही नहीं यार, फिर तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या होगा चार्जेस, क्या होगा चार्जेस, फाइनल चार्जेस है ना, फाइनल चार्जेस क्या होगा चार्जेज ऑन बोथ कैपेसिटर, कैपेसिटर्स क्या होगा, तो देखो तो फाइनल चार्जेज क्या है Q1 डैश, क्या होगा C1 भी, और इसका वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा C1 अपॉन क्या होगा C1 प्लस C2 इंटू क्या होगा Q1 प्लस Q2, ये तो आपको मालूम है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 अपॉन क्या होगा C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस क्या होगा C2V2, ठीक है। तो क्वेश्चन है जो आपको माइंड में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं Q2 डैश, क्या लिखेंगे Q2 डैश इक्वल टू क्या होगा C2V, आई मीन लिखेंगे यहाँ देखो C2 इंटू क्या लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन क्या होगा C1 प्लस C2। तो चार्ज फाइनल चार्ज क्या हुआ मालूम चल गया। अब हम क्या लिखेंगे एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस जब लिखोगे देखो डायरेक्ट एनर्जी क्या होगा एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू क्या होगा UI माइनस क्या होगा UF। UI कितना होगा देखो 1 बाई C1 V1 स्क्वायर प्लस 1 बाई C2 V2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 क्या होगा C1 प्लस C2 इंटू क्या होगा V2। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कितना आंसर आएगा 1 बाई 2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस क्या होगा V2 होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो यही क्या होता है एनर्जी क्या होगा एनर्जी लॉस्ट का रिजल्ट होगा। तो ये पॉसिबल हो सके तो आपको क्या करना चाहिए इसको याद रखना चाहिए कि जब क्या होगा कि व्हेन टू कैपेसिटर्स चार्ज, जब दो चार्ज कैपेसिटर को हम क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे, इस तरह कनेक्ट करेंगे उनका लाइक प्लेट क्या हो टुगेदर कनेक्टेड हो, है ना, तो क्या होगा उस सिचुएशन में एनर्जी लॉस जो होगा वो क्या होगा 1 बाई 2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस क्या होगा V2 द होल स्क्वायर। इस टाइप का रिजल्ट हम कहाँ पढ़े हैं शायद आपको मैं बता दूँ, इन इलास्टिक कोलिजन में आई मीन कोलिजन के समय एनर्जी लॉस कितना होता है उसके बारे में हमने देखा था। तो वहां क्या था 1 बाई 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू क्या है V रिलेटिव द होल स्क्वायर, यही बताया था। फिर मैं जब रोटेशन पढ़ा रहा था तो वहां भी बताया था कि वहां भी एक डिस्क रोटेट हो रहा हो, दूसरे डिस्क को क्या करो कोएक्सियली रख दो, तो वहां भी एनर्जी जो लॉस होगा वो क्या होगा 1 बाई 2 I1 I2 अपॉन क्या होगा I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा रिलेटिव द होल स्क्वायर। यहाँ क्या है वी रिलेटिव आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटिव जो है क्या है द स्क्वायर आ रहा है। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपको, क्या है 1 बाई 2 C1 C2 अपॉन क्या होगा C1 प्लस C2 द होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ कॉमन पोटेंशियल क्या आया टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई सम ऑफ कैपेसिटेंस माइंड में रखना है, एनर्जी लॉस कितना होगा जैसे ही कॉमन पोटेंशियल मालूम चल जाएगा उसके बाद आप चार्ज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि एनर्जी लॉस कितना होगा, एक और पॉइंट क्या मैंने बताया था कि क्या होगा एक और पॉइंट क्या है राइज इन टेम्परेचर। तो मैं यहां मेंशन कर लूं, यहां क्या करूं मैं मेंशन कर लूं कि क्या होगा कि एनर्जी लॉस जो होगा वो कितना दिया हुआ है, और मैं यहां कैलकुलेट करूं कि राइज इन टेम्परेचर। तो मैं यहां लिखूं कि लेट क्या लिखूं एम बी द क्या होगा बी द मास एंड एस क्या होगा बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कंडक्टिंग क्या होगा वायर, देन क्या होगा
डेल्टा क्यू, आई मीन क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एम एस डेल्टा टी। ये हम पढ़े लॉस, आई मीन लॉस इन हीट, है ना। ये कितना होगा देखो तो क्या हो जाएगा, 1/2, है ना, सी वन सी टू अपॉन क्या होगा, सी वन प्लस सी टू इंटू क्या होगा, वी वन माइनस वी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ से हम डेल्टा टी भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सी वन सी टू अपॉन टू एम एस इंटू क्या होगा, सी वन प्लस सी टू इंटू क्या होगा, वी वन माइनस वी टू द होल स्क्वायर। तो यही क्या हो गया, राइज इन क्या होगा, राइज इन क्या होगा, टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द क्या हुआ, कंडक्टिंग वायर। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो आपको क्या करना है, माइंड में रखना चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट रहा। अब सेकंड पार्ट का मैं एक्सप्लेनेशन मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप उसको खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या था, आई मीन बी में क्या था, कि अनलाइक प्लेट क्या है, कनेक्टेड टूगेदर ही है ना। तो बी में क्या दिया हुआ है, देखो बी में क्या है कि क्या कि वेन क्या होगा, वेन अनलाइक प्लेट्स आर क्या है, आर कनेक्टेड टूगेदर, कनेक्टेड टूगेदर। अब देखो क्या है, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर क्या है, ये है। अगेन हमने क्या किया, यहाँ स्विच रखा है, तो ये C1 है और ये क्या है, C2 है। अगेन देखो यहाँ ये कनेक्ट किया गया है कि ये क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ यदि हम मान लें इस पर क्यू वन, इस पर क्या होगा, क्यू टू। अगेन ये प्लेट वन टू थ्री और क्या होगा, फोर, यही होगा ना। अब यहाँ हमने क्या किया कि टी इक्वल टू जीरो पे इसको कनेक्ट कर दिया, जस्ट क्या किया, कनेक्ट कर दिया। आई मीन ऐसे ही अभी रुक जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे तो छोड़ दो। क्या है बिफोर, क्या है बिफोर कनेक्शन। तो टोटल चार्ज देखो, अगेन क्या है, टोटल चार्ज ऑन क्या होगा, इस पे देखो क्या होगा, इस पे याद रखना है कि टोटल चार्ज क्या होगा, यही लिख रहा हूं इधर, ठीक है। अगेन देखो क्या होगा, Q1 माइनस क्या हो जाएगा, Q2। अब हमने मान लिया यहां कि Q1 क्या है, देखो Q1 इक्वल टू क्या है, C1 V1 और Q2 इक्वल टू क्या है, C2 V2। तो हमने मान लिया यहाँ कि Q1 इज ग्रेटर देन क्या है, Q2 है, ऐसा हमने मान लिया। यही क्या हो गया तुम्हारा, इनिशियल चार्ज हो गया, ए बिफोर कनेक्शन। जब आप क्या करोगे, आफ्टर कनेक्शन जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखो क्या होगा, यही चार्ज क्या होगा। अब यहाँ चार्ज का फ्लो कितना होगा, इतना ही चार्ज क्या होगा, चार्ज विल क्या होगा, फ्लो, इतना ही चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा, डिफरेंस ऑफ चार्जेज विल क्या होगा, फ्लो। अब क्या होगा, यहाँ देखो जब फ्लो होगा तो ऑफकोर्स क्या है, ज्यादा है क्या है, कम है, इधर से क्या होगा, कुछ चार्ज आएगा, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इधर क्या होगा, निगेटिव। तो आफ्टर कनेक्शन जो डायग्राम ड्रॉ करोगे क्या होगा, आफ्टर कनेक्शन क्या है, आफ्टर कनेक्शन जो डायग्राम ड्रॉ करोगे, आई मीन ऐसे, ठीक है, आफ्टर कनेक्शन, तो इस पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, यहाँ भी क्या होगा, प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अगेन इनके बीच कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल जस्ट क्या हो जाएगा, ये बैटरी नहीं है, कॉमन पोटेंशियल भी क्या है, कॉमन पोटेंशियल। इन पे चार, इनका कैपेसिटेंस क्या है, सी वन और क्या है, सी टू। यहाँ यदि मैं मान लूँ क्यू वन डैश और यहाँ क्या मान लूँ, क्यू टू डैश, तो क्यू वन डैश इक्वल टू क्या होगा, सी वन भी, क्यू टू डैश इक्वल टू क्या होगा, सी टू भी। अगेन क्या है, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करना और सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ कॉमन पोटेंशियल, यहाँ मैं आंसर लिख देता हूँ, है ना, इसको घर पे सॉल्व कर लेना, होमवर्क लिख लेना, यहाँ मैं आंसर लिख देता हूँ कि क्या होगा, V इक्वल टू क्या होगा, C1 V1 माइनस क्या होगा, C2 V2 अपॉन C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2।
यहां से तुम चार्ज कैलकुलेट कर लेना, क्यू वन डैश इक्वल टू सी वन भी, क्यू टू डैश इक्वल टू क्या होगा सी टू भी, ठीक है। एनर्जी लॉस जो होगा क्या होगा इसको भी कैलकुलेट कर लेना, एनर्जी लॉस्ट लॉस्ट इक्वल टू क्या होगा 1/2 सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू क्या होगा वी वन प्लस क्या होगा वी टू द होल स्क्वायर। तो ये क्या है, आप खुद से क्या करना ट्राई कर लेना, है ना, खुद से क्या करना ट्राई कर लेना। इसके बाद हम, क्योंकि हम टाइम के इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा टाइम बच जाएगा, और इस पर क्या करना, मैं आपको कुछ जो सम होगा मैं क्या करूँगा व्हाट्सअप कर दूंगा, तो इस पर क्या करना प्रैक्टिस कर जाना, 5-6 सम जो है प्रैक्टिस कर देना, क्योंकि जनरली इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, खासकर एडवांस का जब एग्जाम दोगे तो उसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या, अगला जो पॉइंट है ना, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी भी, क्या है कि अब देखो क्या दिया है कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन वाइल क्या होगा इन चेंजिंग, क्या होगा वर्क डन क्या होगा इन चेंजिंग चेंजिंग द क्या होगा द सेपरेशन सेपरेशन बिटवीन बिटवीन द क्या होगा प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें दो केसेस होंगे, क्या होगा दो केस। एक बार हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन क्या है बैटरी इज कनेक्टेड एंड द क्या होगा स्पेस इज बीइंग चेंज्ड, क्या है। तो फर्स्ट केस हम क्या देखेंगे, देखो ध्यान से, वर्क क्या होगा आपको ही मालूम है क्या होगा वर्क किसी भी केस में आप, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन क्या होगा एफ एफ एक्सटर्नल है ना, और क्या होगा डी एक्स, यही होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल क्या होगा डी एक्स, और लिमिट आप एक्स वन से एक्स वन क्या एक्स टू एक्स वन से एक्स टू ले सकते हो, ये बाद में हम देखेंगे कि वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या है यहाँ दो पॉइंट पढ़ रहे हैं, पहला जो केस है केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट क्या है कि बैटरी क्या है क्या है सेपरेशन व्हेन क्या है व्हेन क्या है व्हेन बैटरी इज क्या है कनेक्टेड एंड डी आई मीन सेपरेशन सेपरेशन बिटवीन प्लेट प्लेट्स इज चेंजिंग। तो याद रखना है कि जब हम क्या करेंगे बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं यही क्या है, देखो हमने क्या किया है, यही एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यही देखो दो प्लेट दिए हुए हैं, इसको हमने क्या किया एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इनके बीच सेपरेशन क्या है डी दिया हुआ है, डी हमने क्या किया ये सेपरेशन क्या है डी हम मान लें, और ठीक है इसका ईएमएफ क्या है वी है। तो जब भी याद रखना है कि व्हेन एवर बैटरी इज कनेक्टेड विद द व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी ऑलवेज क्या होगा सेम, क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हो यदि प्लेट एरिया ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू क्या होगा इप्सिलन जीरो क्या होगा ए अपॉन क्या होगा डी होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि क्या होगा व्हेन क्या होगा व्हेन बैटरी क्या होगा व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड कनेक्टेड देन क्या होगा देन पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर विल क्या होगा विल रिमेन रिमेन क्या होगा कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट। एंड कितना होगा यदि वी सी इक्वल टू हम क्या मान लेंगे वी एफ, याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ ये अपने को क्या हुआ मालूम चल गया कि जब भी क्या होगा बैटरी कनेक्टेड होगा तो चार्ज क्या चार्ज नहीं सॉरी क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट
एंड इट विल बी इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अब आप क्या करोगे, इसके सेपरेशन को क्या करोगे, चेंज करोगे, तो कुछ क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, चेंज होगा, चार्ज क्या होगा, चेंज होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, चेंज होगा, एनर्जी स्टोर चेंज होगा, है ना, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, सिचुएशन। तो ये क्या है, ईएमएफ ऑफ द क्या है, ईएमएफ ऑफ क्या है, ऑफ बैटरी, और ये क्या है, कैपेसिटर वीसी, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या होगा, कैपेसिटर, क्या होगा, कैपेसिटर, ये याद रखना है, ठीक है, यही आपको क्या करना है, माइंड में रखना है कि VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब हम इसमें अगला पॉइंट क्या है, अब हम जानते हैं सेकंड क्या होगा, देखो कि अब लिख सकते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो हम बोल सकते हैं ये क्या हुआ, V क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, C, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो क्या होगा, A अपॉन क्या होगा, D। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्या होगा, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, आई मीन चार्ज स्टोर्ड बाय द क्या होगा, चार्ज, चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन क्या होगा, कैपेसिटर, सी क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, और क्या है, ई क्या है, प्लेट एरिया, प्लेट एरिया, और डी क्या है, सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन क्या होगा, बिटवीन प्लेट्स। अब यहां हम मान लें, क्या मान लें, ए में मान लें, क्या है, फर्स्ट में कि वेन क्या होगा, वेन क्या होगा, ए इज क्या होगा, कांस्टेंट, देखो ध्यान से, ए इज कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वन अपॉन क्या होगा, डी। और यहाँ और भी लिख सकते हैं, ये तो फर्स्ट हुआ, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि चार्ज होगा क्या होगा, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ई विल बी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वन बाई क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। यहाँ ये भी लिख सकते हो कि एनर्जी स्टोर्ड, अब देखो ध्यान से, एनर्जी स्टोर्ड आल्सो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वन अपॉन डी। तो यहाँ क्या होगा, जब क्या करोगे आप, जब क्या करोगे, व्हेन क्या होगा, व्हेन सेपरेशन क्या होगा, हम चेंज करेंगे, यहां मैं एक ही पॉइंट लिख देता हूं, आप लिख लेना क्या होगा, कि व्हेन क्या होगा, व्हेन डी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, तो क्या क्या डिक्रीज होगा, क्यू क्या होगा, क्यू डिक्रीजेस, सी क्या होगा, डिक्रीजेस, है ना, उसके बाद ई भी क्या होगा, ई ऑल्सो क्या होगा, डिक्रीजेस, E decreases, U also क्या होगा, U also क्या होगा, decreases। तो ये आपको माइंड में रखना है कि D जब बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, आप स्पेस जब बढ़ाओगे तो क्या होगा, स्पेस बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, D क्या होगा, बढ़ेगा, D बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, कैपेसिटेंस कम होगा तो चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, जब ये कम होगा तो इसको भी कम होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो ये पॉइंट क्या है, पूछा जाता है आपसे, है ना, तो कितना डबल होगा वो तो आपको मालूम है कि रिलेशन लिख सकते हो, आपको सब रिलेशन मालूम है। उसी तरह क्या है कि क्या है, व्हेन क्या होगा, व्हेन क्या होगा, व्हेन डी क्या होगा, डिक्रीजेस, तो क्या होगा, क्यू इंक्रीजेस, सी इंक्रीजेस, ई क्या होगा, इंक्रीजेस, और एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर आल्सो क्या होगा, इंक्रीजेस, ठीक है, क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब क्या है, इसमें आपसे कोई पूछे कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या है वर्क डन आपसे कोई पूछे, तो वर्क डन इक्वल टू सिंपल क्या होता है, देखो तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप सबको इससे कोरिलेट कर सकते हो फॉर्मूला लिख करके, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कि वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या होगा, टू इप्सिलन जीरो, है ना, ए इंटू क्या होगा, डी एक्स, एक्स वन टू क्या हो जाएगा, एक्स टू, एक्स वन टू क्या हो जाएगा, एक्स टू,
अब हम लिख सकते हैं, यहाँ एक स्टेप और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो, क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी एक्स, एक्स वन टू क्या होगा, एक्स टू, और क्यू के जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी वी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो, है ना, क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर आई मीन क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो ए इंटू क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर क्या लिखेंगे, इप्सिलॉन जीरो ए अपॉन क्या लिखेंगे, इप्सिलॉन जीरो ए क्यू स्क्वायर आई मीन क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है, वी कांस्टेंट हो गया तो हमने क्या लिखा, हाँ ठीक है ना, तो अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन एक्स, हमने मान लिया कि किसी टाइम उनके बीच सेपरेशन क्या था, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर है ना डी एक्स, एक्स वन टू क्या लिखोगे, एक्स टू, इसको देखो यहाँ से ये वाला टर्म और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मालूम क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वन बाई टू है ना, क्या लिखोगे इसको, इप्सिलॉन जीरो ए वी स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे, वन अपॉन क्या लिखोगे, एक्स वन माइनस क्या होगा, वन अपॉन एक्स टू, यही क्या होगा, वन बाई टू इप्सिलॉन जीरो ए वी स्क्वायर क्या होगा, एक्स टू माइनस क्या होगा, एक्स वन अपॉन क्या होगा, एक्स वन एक्स टू, यही क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा। तो आपको ये चीज क्या है ध्यान में रखना है कि जब भी क्या होगा कि सेपरेशन चेंज करेंगे, ऑलवेज क्या होगा कि यहाँ क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हुआ तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सी, जैसे जैसे आप स्पेस चेंज करोगे तो सी चेंज होगा, सी चेंज होगा तो आपको चार्ज चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल गेट क्या होगा, चेंज होगा। एरिया को हमने क्या माना है, कॉन्स्टेंट माना है, जनरली आप एरिया से भी सोच सकते हो, केवल आपको रिलेशन क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि क्या होगा कि वेन क्या होगा, सेकंड जो केस है वो क्या है, केस सेकंड आई मीन जो पार्ट बी है, आई मीन केस सेकंड क्या है कि क्या होगा, बैटरी इज क्या होगा, बैटरी स्पेस आई मीन सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन क्या होगा, बिटवीन सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज क्या होगा, बीइंग चेंज्ड, बीइंग चेंज्ड विदाउट कनेक्टिंग बैटरी, क्या होगा, विदाउट कनेक्टिंग बैटरी। अब जब क्या करोगे, आप क्या करोगे, बैटरी, देखो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, यही क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी को अभी कनेक्ट नहीं किए, आई मीन मान लो कि हमने क्या किया, पहले कुछ चार्ज किया होगा इसको, और बैटरी को अब क्या किया, डिस्कनेक्ट करके हम क्या कर रहे हैं, स्पेस चेंज कर रहे हैं, तो इनके बीच क्या है, किसी टाइम स्पेस क्या है, एक्स है, इन पे इनका कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन जीरो क्या हो जाएगा, ए अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स है ना, क्या हो जाएगा, एक्स, या डी मान लें, हम डी मान लेते हैं, तो ये डी हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ एक ही पॉइंट याद रखना है कि क्या होगा, वेन, वेन क्या होगा, बैटरी इज क्या होगा, डिसकनेक्टेड, देन टोटल चार्ज आई मीन चार्ज क्या होगा, देन चार्ज ऑन क्या होगा, कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, विल रिमेन क्या हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। अब आई मीन क्यू क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया है ना, तो हम बोल सकते हैं कि सी वी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और यहां बोल सकते हैं कि वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वन बाई सी,
अब यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि V is inversely proportional to C is inversely proportional to क्या, directly proportional to D upon क्या हो जाएगा ये। अब चार्ज कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यहाँ से आप देख सकते हो ये चीज, आप यदि D बढ़ाओगे क्या होगा कि अब हम ये जनरली क्या मानते हैं, ए कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या होगा व्हेन ए क्या होगा, व्हेन ए क्या होगा कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी इज इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है माइंड में याद, वी क्या है पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, सी क्या है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, डी क्या है स्पेस बिटवीन क्या है देम। अब यहाँ एक पॉइंट लिखना है, ये हमने क्या किया कांस्टेंट मान लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है E इक्वल टू, यदि हम लिखें E इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन इप्सिलन जीरो, और क्या लिखते हैं Q अपॉन क्या लिख सकते हैं इप्सिलन जीरो क्या होगा A। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट, और ये भी क्या है कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। बैटरी जब डिस्कनेक्ट कर दोगे तो कैपेसिटर के बीच क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, आई मीन कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कभी चेंज नहीं होगा। तो एनर्जी कितना होगा देखो, यू इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा सी, कांस्टेंट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सी। तो मैं एक जगह लिख देता हूँ कि क्या होगा वी इज क्या होगा ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा डी अपॉन ए, क्यू इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा डी अपॉन क्या होगा ए। ठीक है, यहां से और ई क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यही क्या होगा आप यहां से देख सकते हो कि किसको बढ़ाओगे तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद वर्क डन जो होगा आप खुद से कैलकुलेट कर लेना। वर्क डन अगेन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा मैं लिख देता हूं एक्स वन टू क्या होगा एक्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू इप्सिलन जीरो क्या होगा डी एक्स। ये तो कांस्टेंट हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू जीरो, तो डायरेक्ट क्या होगा एक्स टू माइनस क्या होगा एक्स वन वर्क डन होगा, और यहाँ तुम सिग्मा का वैल्यू रख लेना, ये क्या हुआ वर्क डन मालूम चल गया। ठीक है, तो ये इतना ही आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इस पर आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको इस पर क्वेश्चन व्हाट्सअप करूंगा तो आप खुद से इस पर प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद हम अगले क्लास में क्या देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।